वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्तीज यम्मी किचन। सो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी, जो कि मैं महाराष्ट्रीयन वे में से बनाऊंगी। तो आइए चलते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है और इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम साबूदाना लिया है। मैंने क्या करा था, मैंने वॉश करके अच्छे से एक घंटे के लिए इसको पानी में सोक कर दिया था। देन इसको एक घंटे के बाद स्ट्रेन करके रखा था, साथ में इसको कवर कर दिया था स्ट्रेन करके। तो देखिए हमारा साबूदाना अच्छे से गल गया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए थे, जिनको बॉईल करके मैंने छोटे पीसेस में कट करके रखा है। साथ ही साथ मैंने यहाँ एक बाउल मूंगफली का लिया है, इसे भी मैंने 8 से 10 मिनट ड्राई रोस्ट करा था। देन ये दरदरा इसको ग्राइंड करा है। साथ में मैंने यहाँ 4 से 5 ग्रीन चिली ली है, जिसको मैंने पेस्ट बना के रखा है। साथ में हमारा जाएगा सॉल्ट और जाएगा हमारा रिफाइंड ऑयल। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं अपनी गैस को ऑन कर लेती हूँ और यहाँ पर ऑयल डाल दे रही हूँ। मैं यहाँ अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल का यूज कर रही हूँ। साथ ही साथ इसमें जाएगा जीरा भी। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि हमने जो ये साबूदाना लिया है और जो ये मूंगफली का पाउडर है, तो मैं अपनी मूंगफली को इसमें ऐड कर दे रही हूँ पहले ही, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे होगा क्या, हमारी जो ये जो साबूदाना की खिचड़ी है वो स्टिक नहीं होगी और खिली खिली बनेगी। अगर आप मूंगफली को बाद में डालते हैं तो वो थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है, तो इसको हम पहले ही मूंगफली को इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए अभी हमारा साबूदाना और जो मूंगफली है वो मिक्स हो गई है। तो आइए अपनी खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं इसमें अराउंड 1 टीस्पून जो है जीरा डाल रही हूँ तड़के के लिए। साथ ही साथ इसमें हमारा ग्रीन चिली का पेस्ट जाएगा। ग्रीन चिली आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपको तीखा चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पेस्ट नहीं बनाना है तो यहाँ पर आप ग्रीन चिली को चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो इसको हम चॉपिंग करेंगे फॉर अराउंड 30 सेकेंड। अभी इसमें जो मेरा बॉईल करके हमने पटेटो को कट करके रखा है, तो ये आलू भी इसमें चला जाएगा। इसको भी हम सौते करेंगे फॉर अराउंड 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए। इसमें मैं सॉल्ट भी थोड़ा ऐड कर रही हूँ, बाकी का सॉल्ट हम बाद में ऐड करेंगे। इसको अराउंड 1 मिनट के लिए हम सौते कर लेते हैं। अभी देखिए हमारे आलू भी सौते हो गए हैं, तो अपना साबूदाना हम इसमें ऐड कर देते हैं। आप क्वांटिटी साब खिचड़ी की अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जितना आपको जरूरत है उतना बना लीजिए। अभी हम इसको मिक्स कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को कम कर रही हूँ और मैं इस पर टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हमने पहले ऐड करा था ऑलरेडी आलू में, बाकी का भी हम ऐड कर रहे हैं। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी इसको हमें ढक के पकाना है फॉर अराउंड 5 to 10 मिनट्स। तो जब तक इसका ना कलर चेंज हो जाएगा, अभी इसे भी व्हाइट कलर की है, जब ये कुक हो जाएगी तो इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज होकर ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। तो हमें अराउंड 5 to 10 मिनट इसको कुक करना है। तो मैं इसको यहाँ पे कवर कर दे रही हूँ, इसको अभी हम कुक करके पकाएंगे। अभी हमें इसे कुक करते हुए 10 to 12 मिनट्स हो गए हैं। जो मेरी खिचड़ी की थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा थी तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा है कुक होने में, तो मुझे अराउंड 12 मिनट्स हो गए यहाँ पे कुक करते हुए। देखिए हमारी जो खिचड़ी है बिल्कुल रेडी हो गई है बनके। आप इस कल का जो कलर था वो पहले से अभी चेंज हो गया है, कितनी खिली खिली बनी है, ऐसा नहीं कि चिपकी चिपकी सी है, स्टिक हो रही है आपस में, खिली खिली खिचड़ी बनी है। तो इसमें बस अभी हम अपना फ्रेश कोरिएंडर डालते हैं और ये हमारे खाने को बिल्कुल रेडी है। इसे आप दिन के कभी भी बना सकते हैं, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, और इवन ड्यूरिंग फास्ट, बिकॉज इसमें कोई अनियन नहीं है, कोई गार्लिक नहीं है, तो आप इसको फास्ट में भी इजिली खा सकते हैं। देखिये हमारी खिचड़ी बिल्कुल बन के रेडी है।
मैं अपनी गैस को ऑफ कर लेती हूँ। एक बार आप इस रेसिपी को इस मेथड से भी जरूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि खिचड़ी बनने के बाद बहुत ही यम्मी होती है। देखिए, आप प्लीज इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, जरूर से उसको सब्सक्राइब भी करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।